सुबह के 6:30 हो चुके हैं, हम पहुंच गए हैं पुरी के बीच में। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया में। और हम हैं पुरी में, जो कि 4 धाम में से एक धाम है पुरी धाम। तो मैं आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ यार, बहुत मस्त व्यू है। पीछे देखिए सनराइज हो चुका है, जो कि बादलों के पीछे है। और ये देखिए नज़ारा, सी का नज़ारा देखिए यार, अल्टीमेट नज़ारा है। बहुत ही क्राउड है इस बीच पे, लाइव बीच है ये। तो कल से भी बहुत ही शानदार बीच है। कल हम थे गोपालपुर बीच में, वहाँ इतना क्राउड नहीं था, लेकिन आज जो क्राउड आप देख रहे हैं ना यार, बहुत मस्ती चल रही है। एक क्राउड का वहाँ ज़ूम कर 21 ज़ूम हमने बहुत ही यहाँ के बीचेस पे एक अनोखी चीज देखी है, जो हम आपके साथ कभी ब्लॉग में शायद शेयर करेंगे। यहाँ शिट बहुत करते हैं लोग, यहाँ के जितने भी मछुआरे हैं यही शिट करते हैं। बीच के ऊपर शिट करेंगे, वहीं धोएंगे और निकल लेंगे। यहाँ पे सरकार को सर आपके ब्लॉग्स के थ्रू बताना चाहिए कि इधर कुछ टॉयलेट की सुविधा हो, है ना? पिक्चर भी अच्छी थी अक्षय कुमार की वैसे। टॉयलेट बाबा बाबा बाबा, सुबह सुबह बाबा आ गया। ये देखिए बीच का नज़ारा देखिए। तो बता दूं, आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जगन्नाथ टेंपल को, कोणार्क टेंपल को, और आसपास जितने भी मतलब कि टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो हम सब आज एक्सप्लोर करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ और खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए और खूब प्यार दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए यार, आपको कैसे लग रहे हैं ब्लॉग। तो मस्ती चल रही है, तो हम भी अब थोड़ा हाथ पैर गीले कर लेते हैं। अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और इसके बाद हम यहाँ कुछ लोकल साइट सीन्स हैं वो देखने जाएंगे। और 2 बजे हमें जाना है जगन्नाथ टेंपल के दर्शन करने, और साथ में 56 भोग हमें खाने को मिलेगा। वो यहाँ के लोकल जो यहाँ हमारा होटल का जो मालिक है, ओनर है, उसने इंतज़ाम किया है। क्या कह रहा था? लेप लेप जो है बीटरूट और गाजर मसाला, एंड यहाँ का पूरी का बहुत ही डिफरेंट होता है, वेरी टेस्टी। उससे पहले वड़ा खाया, वड़ा और एक हमने फ्राइड चीज खाई, जो उसके अंदर छोले और चावल बने थे, वो हम सॉरी बना नहीं पाए क्योंकि बहुत टेस्टी था। ये है सेवई का हलवा, एंड क्या रिव्यू है सर? लोकल नंबर 1 यार, यहाँ का डोसा, इडली और वड़ा और उपमा, मेरे सारी आइटम नंबर 1 और फ्रेश है। क्योंकि देखो कभी भी आप ट्रैवल करते हो वहाँ खाओ जहाँ लोकल्स खा रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ लोकल्स बहुत खा रहे हैं। समय हुआ है 1:15 दोपहर के, और हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी के दर्शन करने। आज है संडे, और जबकि गूगल दिखा रहा है कि टेंपल इज़ क्लोज्ड ड्यू टू कोविड। अब पता नहीं टेंपल खुला है बंद है, वैसे बंद होगा तो हमारी वाट लगने वाली है, क्योंकि हमने 56 भोग के चक्कर में आज का प्रोग्राम डिले किया था, क्योंकि 2 बजे के बाद ही 56 भोग मिलता है, वरना हम सुबह ही निकल जाते दर्शन करके। तो आधा दिन का हमारा डिले हो गया है प्रोग्राम, और रिलैक्सिंग मोड पे आ गए हम, क्योंकि कंटिन्यू हम 9th डे, आज हमारा 9th डे है राइड का, और 8 दिन से कंटिन्यू नॉन स्टॉप बाइक चला रहे हैं, और एक दिन का आधे दिन का तो ब्रेक बनता है।
तो आज हमने एक्सप्लोर करना है जगन्नाथ टेंपल और कोणार्क टेंपल। तो ये देखिए जगन्नाथ पुरी का बहुत ही विशाल मंदिर, बहुत ही विशाल मंदिर, बहुत ही भीड़ भाड़ है। आज संडे है, इस वजह से छुट्टी के वजह से भी आज काफ़ी भीड़ भाड़ है, और हमारी किस्मत है कि हम संडे को ही यहाँ पहुँचे हैं, जबकि हम लास्ट टू लास्ट सैटरडे निकले थे। आज 9th डे है हमारी राइड का। ये देखिए जगन्नाथ टेंपल का साउथ गेट, ये है साउथ गेट जगन्नाथ टेंपल का, लक्ष्मी बाज़ार है, हाँ लक्ष्मी बाज़ार। अस्थि द्वार नॉर्थ गेट, फोटो खींच रहा है सर। अरे इसका ले रहे हैं, इसका बोर्ड अरे यार दिल्ली से आए इतनी दूर से, तुम एक फोटो नहीं लेने दे रहे यार। पार्किंग नहीं कर रहा सर, मैं सर मैं बाइक के साथ लेना है, सिर्फ एक फोटो लेना है, एक फोटो के लिए यार इतना, मैं भी CRP में हूँ यार, ऐसे क्या बात है यार, एक फोटो के लिए इतना कर रहे हैं यार। अंकल दो फोटो खिंचवा ले, बाइक खिंचवा ले फटाफट खिंचवा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जगन्नाथ टेंपल के साउथ गेट पे। ये पीछे है साउथ गेट और ये पीछे है जगन्नाथ टेंपल। तो ये हमारी बाइक पार्क हो गई है और लगभग 1:30-2 बज चुका है, और हम जा रहे हैं जगन्नाथ टेंपल में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने। तो अंदर आई थिंक कैमरा अलाउड नहीं है, तो यहीं तक मैं आपको पिक्चर दिखा सकता हूँ, इससे आगे आपको पिक्चर नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ ये बाहर तक है। तो मैं अभी दर्शन करके आ रहा हूँ और फिर हम प्रसाद खाएंगे, फिर हम चलेंगे कोणार्क टेंपल की तरफ। तो दोस्तों दर्शन कर लीजिए जगन्नाथ पुरी टेंपल के, और सबसे ऊपर आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मंदिर पे ध्वज को चेंज किया जा रहा है, और एक इंसान ऊपर चढ़ा हुआ है बिल्कुल टॉप पे, और वो ध्वज चेंज कर रहा है। तो ये है मेन टेंपल जगन्नाथ पुरी का। तो आज हमने बहुत तसल्ली से दर्शन किए, कम से कम 3 घंटे लग के हम दर्शन किए हैं, और पूरे मंदिर की परिक्रमा करी, और हमने राजभोग है वो खाया, और राजभोग बहुत ही शानदार था या बहुत ही स्वादिष्ट, तभी कहते हैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट राजभोग है ये। और अभी हम जा रहे हैं कोणार्क टेंपल, और ये हम कोणार्क टेंपल के लिए गूगल भाई ने ये रास्ता बताया है। ओहो कहाँ कहाँ गली में घुसा दिया है, भारत स्वीट, नौरंगा स्वीट, छोटा सा रास्ता है ये। तो गाइस कोणार्क है 32, भुवनेश्वर है 94। तो अभी हम जा रहे हैं कोणार्क टेंपल, और लगभग 45 मिनट हमें वहां तक पहुंचने में लगेगा, और शाम ढल चुकी है और सनसेट होने वाला है, जबकि कोणार्क का सनराइज़ काफ़ी माना जाता है, लेकिन 2 दिन से तो सन दिखाई नहीं दे रहा। अब रिस्क नहीं ले सकते कल के लिए, क्योंकि बादल तो हैं ही अभी। तो अभी मिलते हैं आपको सीधे कोणार्क टेंपल में। और गाइस हम पहुंच चुके हैं कोणार्क टेंपल की पार्किंग में, और हम अपनी बाइक अब पार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ये जगह है
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सूर्य कोणार्क टेंपल, और मैं दिखा देता हूं आपको बैक साइड से। ये मेरे पीछे बिल्कुल ये है सूर्य कोणार्क टेंपल। तो अब हम अंदर चलते हैं टिकट लेके, और अंदर से दिखाता हूं मैं पूरा सूर्य टेंपल। ने दो लाइट एंड साउंड की टिकट ले ली है, और 100 रुपीस की दो टिकट आई है। और इस समय लगभग अंधेरा हो चुका है, और मेरे बिल्कुल सामने है कोणार्क का सन टेंपल। तो आपको आज नाइट व्यू में दिखाता हूं कोणार्क का सन टेंपल। मोस्टली दिन में ही आपने वीडियो देखी होंगी, अब रात की देखी है। गाइस अभी आपने देखा कितना शानदार है कोणार्क सन टेंपल, और ये अपने इंडिया का नंबर वन सूर्य टेंपल है। ये मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आप कोणार्क का सन टेंपल। ये देखिए बहुत ही विशाल, बहुत ही भव्य ये कोणार्क टेंपल है। मैंने पिछले महीने आपको दिखाया था मोढेरा का सन टेंपल, और उसके मुकाबले ये बहुत ही विशाल सन टेंपल है, बहुत ही शानदार टेंपल है।